नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन तो एकेडमी पर और आइए शुरुआत करते हैं आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम की प्रिपरेशन विथ सम मोर ओके क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस वीडियो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर तो जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी ये जो आपका सेक्शन वन दिया हुआ है उसमें डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है उसमें से हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में हमने फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर और फ्रेमिंग जो है उन टॉपिक को लिया है और उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है फिजिकल लेयर का राइट right? तो बिट सिंक्रोनाइजेशन जो है बिट सिंक्रोनाइजेशन इज फिजिकल लेयर फंक्शन इट इज अ फिजिकल लेयर फंक्शन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज देयर डेटा इनकोडिंग एंड डीकोडिंग ये भी फिजिकल लेयर का फंक्शन है ट्रांसमिशन मीडियम आइडेंटिफिकेशन ये भी फिजिकल लेयर का फंक्शन है लेकिन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो है या तो हम डेटा लिंक लेयर पर इसके लिए जा सकते हैं तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर नहीं होगा राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ए या फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफ या फिर फेज मॉड्यूलेशन पी या फिर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग एस के तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में वी यूज एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग एस के डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है राउटिंग नो no. ये नेटवर्क लेयर का प्राइमरी फंक्शन है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन राइट तो बेसिकली एरर डिटेक्शन और करेक्शन की अगर हम बात करें तो हम कुछ अपर लेयर्स पे भी इसके लिए जा सकते हैं फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन की की अगर हम बात करें बात करें तो करें और मीडिया एक्सेस कंट्रोल तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन बी सी और डी जो है इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीन ऑप्शन भी डेटा लिंक लेयर से रिलेटेड है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया प्राइमरी फंक्शन क्या है तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर ऑप्शन डी जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल उसे आना चाहिए क्योंकि आपको पता है डेटा लिंक लेयर दो पार्ट में डिवाइड होती है दैट इज मीडिया एक्सेस लेयर इज वन आउट ऑफ दैट राइट तो जो मीडिया एक्सेस लेयर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है दैट इज द प्राइमरी फंक्शन राइट सो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल ऑपरेट करता है टीसीपी आईपी एआरपी या इथरनेट तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके लिए हम नेटवर्क लेयर और जो उसके अपर लेयर है उसको चूज कर सकते हैं टीसीपी आई आईपी के लिए नॉर्मली हम नेटवर्क लेयर एंड एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमें नेटवर्किंग लेयर या उससे ऊपर जाना होगा लेकिन इथरनेट की अगर बात की जाए यहां पर तो ईथरनेट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि उसके लिए हम डेटा लिंक लेयर को रिस्पांसिबल बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ईथरनेट के लिए हम डेटा लिंक लेयर के अंदर हम इस प्रोटोकॉल को ऑपरेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोविंग टेक्निक इज यूज फॉर फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेमिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है बिट स्टफिंग फ्लो कंट्रोल राउटिंग या टीसीपी चेकसम तो बेसिकली आपको पता है फ्लो कंट्रोल टेक्निक और राउटिंग टेक्निक तो आ, मतलब फ्रेमिंग टेक्निक में मतलब हम इसे नहीं करेंगे अलग अलग है 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 तो जो stuffing technique है आपकी, stuffing, uh, वो framing जो आपकी वो होती है, data link layer के अंदर उसके लिए आप इसे responsible बोल सकते हैं फ्लैग सिक्वेंस फ्लैग सिक्वेंस का क्या परपज होता है तो बेसिकली जो फ्लैग सिक्वेंस होते हैं HDLC में हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल में वो इंडिकेट करने के लिए क्या इंडिकेट करने के लिए कि उस फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट किधर है और एंडिंग पॉइंट किधर है राइट दैट इज द कॉन्सेप्ट तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल लेयर कौन सा फिजिकल लेयर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिट ट्रांसमिशन रेट बेसिकली ये फिजिकल लेयर का है ट्रांसमिशन रेट के लिए फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है टॉपोलॉजी किस टॉपोलॉजी में वेदर स्टार टॉपोलॉजी मैस टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी राइट ये भी सारा काम फिजिकल लेयर के अंदर होता है और ट्रांसमिशन मीडियम जो है राइट right? तो जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके अंदर भी हम फिजिकल लेयर जो है उसको आ, मतलब रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे वेदर सिंगल लाइन ट्रांसमिशन इज देयर और ड्यूअल इज देयर राइट बट एरर डिटेक्शन है वो बेसिकली फिजिकल लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ प्रिपरेशन तो yes. हर वीडियो से आप लोग कर सकते हैं अगर हर वीडियो में आप टेन एम करते हैं तो आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और उसी के साथ आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इस चैनल के माध्यम से हम वो चीज अचीव करने का Uh, कोशिश कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए आपके सॉल्यूशंस को तुरंत जवाब दिया जाएगा बट प्लीज़ uh, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर सकें आपके जो सब्सक्राइबर है आपके जो uh, लाइक्स हैं वीडियो पर और आपके जो कमेंट्स हैं वो मोटिवेट करेंगे हमें इस टाइप के वीडियो आगे भी फर्दर बनाने के लिए राइट ओके क्वेश्चन नंबर एट विच एरर डिटेक्शन टेक्निक इज कॉमनली यूज इन डेटा डेटा लिंक लिंक लेयर लेयर के लिए कौन सी एरर टेक्निक रिस्पॉन्सिबल है सीआरसी साइक्लिक चेक या या फिर पैरिटी चेकिंग या चेकसम तो एरर डिटेक्शन करना है मैं ना तो दो चीज होती है कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम एरर करेक्शन की बात करते हैं एरर की बात करते हैं एक होता है एरर डिटेक्शन और एक होता है एरर करेक्शन राइट तो नॉर्मली तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक जिससे हम ये ये पता कर सकते हैं कि वहां पर एरर है या नहीं है राइट जिसमें हम कुछ बीट ऐड कर देते हैं और वो जो पर्टिकुलर बीट होती है वो हम दूसरी तरफ जाकर चेक करते हैं सेंडर के साइड पर दोनों मैच करते हैं और अगर वो दोनों जो एट द एंड अगर हम वो जो एक्सोर uh, ऑपरेशन जो है उनका रिजल्ट रिमाइंडर जीरो आता है मतलब एरर नहीं है राइट तो सीआरसी जो है वो डिटेक्शन एरर डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेटा लिंक लेयर में यस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द्पल ऑफ अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का कौन सा एग्जाम्पल है वायरलेस फाइबर ऑप्टिक्स रेडियो वेव्स या इंफ्रा रेड राइट तो जो करेक्ट आंसर है वो है फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल किस चीज का है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज टिपिकली फाउंड इन फ्रेम हेडर फ्रेम हेडर के अंदर क्या टिपिकली पाया जाता है डेटा सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या सिक्वेंस नंबर तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है मतलब लेट से ये आपका एक सोर्स है लेट से ये रिसीवर है आपको डेटा सोर्स से रिसीवर के पास भेजना है तो ये जो आपका पर्टिकुलरली फ्रेम हेडर है यहाँ पर डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस मतलब इसका फिजिकल एड्रेस जो है रिसीवर की डिवाइस का जो कि 32 बिट का होता है वो आपको पुट करना होगा राइट तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जो नेक्स्ट टॉपिक थे उसके टेन क्वेश्चन डिस्कस किए और आपको ये समझ में आए हैं फर्दर अगले एम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इ hey,